अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ बनियान बोले तो जेट इको बनियान। रुद्र TMX जर्मन टेक्नोलॉजी थर्मेक्स से बना, मजबूती और शुद्धता का प्रतीक रुद्र TMX। हर वीकेंड घर बैठे क्यों बिताना, कौन कहता है मस्ती की कोई उम्र होती है। ग्रोइंग अप का मतलब ग्रोइंग ओल्ड तो नहीं। रेनॉल्ट लॉजी, आपकी दुनिया आपके साथ। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब बात करते हैं चने की, जहां पर वापस कीमतों में काफी तेजी है। बेमौसम बारिश के कारण लगातार उत्पादन में कमी आने का अनुमान है और इसी वजह से आप NCDEX पर चने के दाम 4200 के ऊपर देख रहे हैं। कीमतों में जारी तेजी के कारण किसानों ने बिकवाली कम कर दी है, जिससे भी चने को सपोर्ट मिल रही है। बात करने के लिए हमारे साथ जगदीप ग्रेवाल हैं। जगदीप, बहुत अच्छी तेजी चना दिखा चुका है, क्या अब यहाँ पर और तेजी बाकी है? आपको लगता है अब भी बाइंग करने के ऑप्शन हैं या फिर इस वक्त ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिख रहा है आपको, ओवरबॉट टेरिटरी में? देखिए, जैसा आपने मस्टर्ड और सोयाबीन के बारे में विजय जी ने बताया, ऐसे ही हाल जो है चने में भी मैं कमेंट करना चाहूंगा कि जो एकदम से अब्रप्ट तेजी हो गई है, ये कुछ ज्यादा हो गई है। अभी कहिए कि यहाँ से अपने सेल तो अभी के भी जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बोल सकते हैं कि 100-150 रुपए और खींच सकता है मार्केट, क्योंकि पूरी तरह जो अपने कहिए कि डिस्काउंट करना साइकोलॉजिकली वो अभी लगता है मार्केट में हुआ नहीं है। अभी और नए जो है लोग जुड़ रहे हैं, बट सामने अगर अपना ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो उस स्पीड से जो है ओपन इंटरेस्ट चने के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ऐड हो रहा है, जिससे कहें कि ये सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे आएगी। तो कॉन्शियस कॉल जरूर रहना चाहिए, जो इंट्राडे बाय करना चाहता है वो भले जो है बाय में रहे, बट एक बार के लिए अपने को रुकना चाहिए। ऊपर में रेजिस्टेंस इसको लगभग अपने 4350-4370 के आसपास जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस आएगा, वहां से एक सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है। और साथ के साथ अपने इसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी बात करें, जैसे येलो पीस जो है वो इसका एक क्लोज कंपिटिटर है, उसका और इसका स्प्रेड काफी बढ़ चुका है। अपने पिछले वीक भी बात हुई थी तब लगभग 1300-1400 का स्प्रेड था इसके और येलो पीस के भाव में, वो भी 1750-1800 के आसपास आ गया है। मतलब सब्स्टिट्यूट्स में जो है रैली नहीं आए हैं, जो कि आइडियली आनी चाहिए थी, उनके भाव भी बढ़ने चाहिए थे, दैट मीन्स कि उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी है कंपेरिजन में, तो एक सेल ऑफ आएगा। कॉन्शियसली अपने को यहाँ पे रहना चाहिए और आई वुड रिकमेंड कि एक बार वेट करना चाहिए, 4350-4370 के आसपास सेल कॉल लेनी चाहिए बजाय के अभी बाय करने के। लेकिन आपको क्या लगता है कि कहाँ तक चना जाएगा पहले ऊपर के साइड में, और आपको वैल्यू कहाँ दिखाई देगी जगदीप, जहाँ पर आपको लगेगा कि इन लेवल्स पे बाय बनता है चना? नहीं, अभी बाय का रिकमेंड की एक इंट्राडे भले यहाँ बाय कर ले, बट स्टॉप लॉस जो है काफी नीचे बनता है 4125 का, एक 4350-4300 के बीच के जो है अपने टारगेट्स रहने चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के। 4350-4370 के जो टेरिटरी होगी वहां से जो है सेल जनरेट करने का रिकमेंडेशन मेरा ज्यादा रहेगा बजाय के बाय साइड का, और स्टॉप लॉस उस केस में जो है अपना लगभग 4425 के आसपास का रहेगा। ओके, तो ये सलाह है चने पर। लेकिन अब देख लेते हैं आज के एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स। मनीष, पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या होंगी आज के लिए हॉट पिक्स? जी, मेरी पहली राय क्रूड में सेल करने की होगी। हमने 3300 से काफी अच्छी रैली देख चुके हैं, 300-350 पॉइंट की, और इसमें कोई भी डिप नहीं था, टेक्निकल कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं था। मुझे लगता है यहाँ से एक डिप आना चाहिए, थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे सेल रिकमेंड करूंगा, 3720 का स्टॉप लॉस रखें और 3500 तक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा आपकी दूसरी हॉट पिक क्या होगी? जी, मैं लेड में सेल करने की सलाह दूंगा। लेड में अगर आप देखें तो 117-118 के आसपास हमने ब्रेकआउट देखा था, काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखा था हमने, और वहां से लेकर हमने 13-14-15 रुपए की लगभग रैली देख चुके हैं हम, और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट है वो भी सेम केस है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बार हमने डिप देखने को मिल सकता है, 136 का स्टॉप लॉस रखें और 128 तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो दो बिकवाली करके चलने की सलाह है, एक क्रूड में, दूसरा लेड में, 133 के आसपास लेड बेचने की सलाह है। लेकिन जगदीप, आपकी तरफ से आज की हॉट पिक्स क्या होंगी? कोर्सिव कमोडिटीज की तरफ से मैं शुगर में बाय रिकमेंड करूंगा। शुगर में वायदा जो है अपने 2475 के लेवल्स पे बाय करेंगे, टारगेट जो है 2520 के आसपास रखेंगे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2450 का मेंटेन करेंगे। वहीं जीरा जो है मैं वायदा सेल का रिकमेंडेशन रहेगा, 17800 यानी कि लगभग अपने करंट प्राइसेस पे जो है बेच सकते हैं। एक 18050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखते हुए 17500 का जो है टारगेट रखेंगे। ओके, तो ये सलाह है आर्मी कमोडिटीज में शुगर खरीद कर चलना चाहिए, वहीं जीरे में सेल की कॉल है जलदीप की तरह से। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आपके सवाल जवाब का सिलसिला। आई लव अमृत, आई लव अमृत 99 एकड़।